हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा निटर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूं। इस डिज़ाइन को आप लेडीज कोटी, कार्डिगन, जैकेट, बच्चों के फ्रॉक में, शॉल में आप इसे बना सकते हैं। ब्लैंकेट में भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 10 के मल्टीपल से प्लस 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं और ये डिज़ाइन टोटल 2 सिलाइयों में 2 रोज में बनकर कम्प्लीट हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 25 फंदे लिए हैं, 10 के मल्टीपल से 20 प्लस 5 फंदे एक्स्ट्रा। हम बनाएंगे फर्स्ट रॉ राइट साइड से, रॉ 1 राइट साइड। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और इसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, सिलाई पर धागा लपेटेंगे, इस तरह से जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो देखिए, 2 फंदों में इस तरह से देखिए सामने की तरफ सिलाई डालेंगे ऐसे, और लेफ्ट नीडल से उतार लेंगे और इस तरह से पलटकर वापस से सिलाई पर चढ़ा लेंगे। अब 2 फंदे ये और एक फंदा ये, इन 3 फंदों में बैक लूप से सिलाई डालेंगे, 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, इस तरह से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बनाए, इस तरह सिलाई पर धागा लपेटेंगे, जाली डालेंगे। एंड स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है। एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 1 3 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर 2 1 3 3 फंदे सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे। तो हमने यहीं 10 फंदे बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, सिलाई पर धागा लपेटेंगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बनाए। अब 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो 2 फंदों में देखिए ढीला कर लेंगे इस तरह से, और सामने की तरफ सिलाई डालेंगे और सिलाई से उतार कर इस तरह से पलट लेंगे। अब इन 2 फंदे ये, एक फंदा ये, इन 3 फंदों में पीछे की तरफ सिलाई डालेंगे और बैक लूप से 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे ऐसे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बनाए। अब देखिए सिलाई पर धागा लपेटेंगे, जाली डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 2 डिजाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में आपके पास 3 फंदे एक्स्ट्रा बचेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, इस तरह से धागा पीछे करेंगे, स्टिच सीधा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट रॉ राइट साइड से कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे सेकेंड रॉ रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस सेकेंड रॉ को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जाली वाला फंदा आपने बैक लूप से उल्टा बुनना है। ये देखिए, इस तरह से बैक लूप से जाली वाले को उल्टा बनाएंगे। तो हम सारे फंदे उल्टे बुनते हुए सेकेंड रॉ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ ये पैटर्न ओवर हो जाता है। और जब हम इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से बन करके आएगा। ये देखिए, इस तरह से इस पैटर्न की जो किनारी बनती है वो बिल्कुल जिगजैग में होती है। इस तरह से आप इसे चाहें तो बॉर्डर में बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, और चाहें तो आप इसे ऑल ओवर प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। रिचकोटी, कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक, बच्चों के स्वेटर में, ब्लैंकेट में इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। शॉल में भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 सिलाइयों की बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है और इसे बिगिनर्स आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।